हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मायरा लाइफ जर्नी व्लॉग्स में आपका स्वागत है। कुछ नया इस उम्मीद के साथ, नए ब्रांड के साथ, नए फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट हूँ। तो व्लॉग थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कॉमेंट्स के द्वारा मोटिव कीजिए। फ्रेंड्स, मेकअप हम करना जानते हैं और मेकअप करने के बाद हम क्या करते हैं कि मेकअप को उतारने के लिए हम कपड़े से या फिर वॉशरूम में जाकर पानी के द्वारा हम क्या करते हैं, मेकअप को उतारते हैं। लेकिन सही मेकअप को उतारने का तरीका कैसा होता है यह आप जान सकते हैं। तो हमें कैसे उतारना चाहिए मेकअप को, यह जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम घिस घिस के हमारे चेहरे को मेकअप को अगर उतारेंगे तो क्या होता है, रैशेस आने की संभावना होती है और फोड़े फुंसी या कील मुहासे होने की भी संभावना होती है, क्योंकि स्किन पे उसका इफ़ेक्ट होता है। तो अगर हम इजीली मेकअप उतारना चाहते हैं या हमें मेकअप उतारने का सही तरीका मालूम रहा तो हम इजीली उसे रिमूव कर सकते हैं। तो मेकअप को रिमूव करने का इजीली तरीका है टिश्यू पेपर, और उसके लिए हमें टिश्यू पेपर लेना होगा। और हम सब जानते हैं कि लिपस्टिक, आईलाइनर, काजल, यह हम डेली यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमें लिपस्टिक लगाना है और वो फैल जाती है या हमको उसको पोंछना है तो हम कोई भी कपड़ा या फिर पानी की सहायता से उसे रगड़ रगड़ कर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह वे गलत है, हमें टिश्यू पेपर की सहायता से हमें स्मूथली उसे रिमूव करना है, चाहे फिर काजल हो, मस्करा हो, आईलाइनर हो या लिपस्टिक हो या फिर फाउंडेशन हो या फिर चेहरे का मेकअप हो। तो हम टिश्यू पेपर हमें मार्केट में अवेलेबल है, आप जान देख सकते हैं मेरे हाथों में यह जो पॉकेट फॉर्म में टिश्यू पेपर है, ओनली 10 रुपीज़ का है यह, मार्केट में आपको अवेलेबल होगा, ओनली 10 रुपीज़ का है। तो आप इसे ख़रीद सकते हैं और आपका मेकअप रिमूव कर सकते हैं। अगर आप इस टिश्यू पेपर को थोड़ा गीला कर लेते हैं और साइड साइड से आपको मेकअप को पोंछना है, आपको खासतौर पे लिपस्टिक, क्योंकि लिपस्टिक का कोड हम 2 या 3 कोड लगाते हैं और बहुत डार्क रहता है, इसलिए हमें कोई भी कपड़े से या फिर हमें हाथों से उसको रगड़ रगड़ कर नहीं निकालना है, हमें टिश्यू पेपर लेना है। टिश्यू पेपर को थोड़ा गीला कर सकते हैं आप और पानी की सहायता से गीला जल्दी हो जाता है टिश्यू पेपर, और फिर उसको थोड़ा सा आप निकाल सकते हैं, या आप गीला ना करते हुए भी आप टिश्यू पेपर की सहायता से आपका मेकअप रिमूव कर सकते हैं। तो यह इजी वे है, निकालने का सही तरीका है, ताकि आपकी स्किन पर कोई भी इफ़ेक्ट ना हो, बैड इफ़ेक्ट ना हो, और आपकी स्किन का जो मेकअप है वह ज़्यादा फैले ना, इधर उधर चेहरे पर फैले ना। अगर आपको आई के लिए यूज़ भी करना है तो टिश्यू पेपर की सहायता से आपको आई शेडो, आई लाइनर, मस्करा जो भी आप लगाते हैं वह रिमूव कर सकते हैं। तो इजीली वे के साथ आप इस टिश्यू पेपर के द्वारा आपका मेकअप रिमूव कर सकते हैं। तो आपको अगर थोड़ा भी यह कंटेंट पसंद आया है, ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नए ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे नए ब्रांड के साथ, नए कंटेंट के साथ। तो मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए, टेक केयर, सेफ रहिए, बाय, थैंक यू।